गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट का साइट मैप कैसे इंडेक्स करते हैं? हाउ टू इंडेक्स अ साइट मैप ऑफ योर वेबसाइट इनटू द गूगल सर्च कंसोल? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नायाब फातिमा एंड यू आर वाचिंग टेकी नायाब यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने साइट मैप को कैसे गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करते हैं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल सर्च कंसोल। जैसे ही हम गूगल सर्च कंसोल टाइप करेंगे तो हम फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेंगे। फर्स्ट लिंक को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट नाउ का। आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स किया हुआ है लेकिन आपने उसका साइट मैप इंडेक्स नहीं किया हुआ, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो लेके आऊँ कि आपने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को कैसे इंडेक्स करना है, तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। तो आज हम देखते हैं कि हमने साइट मैप कैसे इंडेक्स करना है। यहाँ पर हम साइट बार में हमारे पास एक ऑप्शन होगा साइट मैप का। साइट मैप को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमने टाइप करना है, आपका यहाँ पे वेबसाइट का लिंक शो हो रहा होगा, इसके आगे आपने टाइप करना है साइट मैप डॉट एक्स एम एल। साइट मैप डॉट एक्स एम एल टाइप करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका साइट मैप कुछ इस तरह से सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेस का स्टेटस शो हो जाएगा और जितने आपके पास आर्टिकल्स होंगे उस वेबसाइट पे वो शो हो जाएंगे। तो ये था तरीका कि कैसे आपने अपने गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट का साइट मैप इंडेक्स करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।